Okay, assalamu alaikum everyone. This is Danish Tabassum, and today we are going for unit number 4, operations management. Okay ji, so if you can hear me well, please let me know in the chat section, or please mujhe WhatsApp pe jo hai wo kar dein. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. Favorite is Goosebumps. Good. Nice name. Can you hear me well? Table tennis Goosebumps. Okay, thank you Aisha. Walaikum assalam. Okay ji, so I'm just waiting for like 5 minutes. हम लोग जो है start कर देंगे और everyone nice to see you. Very nice to see you. ओके जी, सो आज हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है इट्स अबाउट यूनिट नंबर 4, और अब हम यूनिट नंबर 4 को, मेरा ख्याल ये है कि हम लोगों को इसको जल्दी
वाले में कंप्लीट करना है, क्योंकि दिन कम है और मुकाबला सख्त है। और मेरा ये ख्याल है कि जैसे हम लोगों ने 4 दिन लगाकर वो फाइनेंस को ज़रा कंप्लीट किया था, ऑपरेशंस को भी इस तरह से करेंगे। आज ऑपरेशंस के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हम पहले 2 चैप्टर्स की उसकी बात कर लेंगे कि ऑपरेशनल प्लानिंग एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस की जो हमने बात की है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। ये जहन में रखें कि ये जो यूनिट है ऑपरेशंस का, इट्स वेरी मच लिंक्ड विद मार्केटिंग, सही है, एंड वेरी मच लिंक्ड विद फाइनेंस, ठीक है। अगर सही तरीके से प्रोडक्ट मार्केट नहीं हो रहा होगा तो प्रोडक्ट कोई भी डिवाइस होगा, कोई भी बनेगा, इट वोंट गेट द बज इन द मार्केट, ठीक है ना। तो सेल्स करने वाले को सेल्स तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इसमें वैल्यू ऐड नहीं हुई होगी तो दिस इज द डिपार्टमेंट विच एड्स द वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना होगा कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर एंड किस तरह से चीज़ें करनी है, ठीक है जी। सो जस्ट गोइंग टू वेट फॉर लाइक 2 or 3 more minutes एंड देन वील स्टार्ट ऑफिशली यूनिट नंबर 4। प्लान ये है कि आज की क्लास के अंदर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटीज के ऊपर बात, कैट कैम के ऊपर बात, इकोनॉमिकल स्केल के ऊपर बात, लोकेशन डिसीजंस, बेसिक जो मेरा आज का जो है दैट इज कैट कैम एंड लोकेशन डिसीजन, इसके ऊपर हम इकोनॉमिकल स्केल के साथ, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। देन हमारी कल की क्लास जो होगी वो होपफुली इंशाल्लाह प्रोडक्शन मेथड्स के ऊपर होगी, और फिर उसके बाद जो होगी हमारी एक पूरी क्लास जो होगी वो स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर होगी, सही है। तो वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह ताला कंप्लीट दिस यूनिट इन 3 डेज, ठीक है। फिर हम लोग मार्केटिंग की तरफ जाएंगे और फिर इस तरह से हम लोगों ने एचआर की तरफ जाना है, फिर हम लोगों ने इस तरह से जो है उसकी तरफ जाना है, एनवायरमेंट की तरफ जाना है, एंड देन वी हैव टू सॉल्व फ्यू पेपर्स। डिस्कशन होगी पेपर 1 की, कुछ पेपर 1s की और कुछ पेपर 2s की, ठीक है। रीसेंट वन नवंबर या जून के जो होते हैं पेपर 1 और पेपर 2, वो डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस। फाइन, सो वालेकुम अस्सलाम ताहा, वी आर जस्ट गोइंग टू वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है जी, एंड देन वी विल स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम, ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दानिश तबस्सुम एंड आई टीच बिजनेस। दिस इज एएस यूनिट नंबर 4 ऑपरेशंस मैनेजमेंट। लास्ट सेशन हमारा, लास्ट जो हमने सेशन किया था उसमें हमने फाइनेंस को कंप्लीट किया था, अब हम लोग ऑपरेशंस की तरफ आ गए हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट असल में है क्या? इट्स बेसिकली अ डिपार्टमेंट और एन एरिया ऑफ अ बिजनेस जहाँ पर हम रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए उनके अंदर वैल्यू ऐड करके फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट लेकर आते हैं, और उसके ऊपर फिर हम, क्योंकि हमने वैल्यू ऐड की होती है, दैट इज द रीजन वाई हम लोग उसको फिर चार्ज करते हैं, ठीक है, यानी हम उसके प्राइस चार्ज करते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास जितनी ज्यादा एडेड वैल्यू डलेगी उतना ज्यादा हम प्रीमियम चार्ज करेंगे, ठीक है। सो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो बेसिक कनेक्शन है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ है। मेजर कनेक्शन जो है इसका इन दो डिपार्टमेंट्स के साथ है, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से इसकी बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन रहती है, क्योंकि बेसिकली दिस डिपार्टमेंट होल्ड्स द प्रोक्योरमेंट, व्हाट टू परचेज, हाउ टू परचेज, व्हेन टू परचेज वाली कहानी, एंड द सप्लाई चेन फ्रॉम दिस मार्केटिंग साइड के किससे खरीदना है, सप्लायर कौन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसलिए इसी कनेक्टिविटी मार्केटिंग से ज़्यादा हो जाती है, प्लस पैसे की ज़रूरत होती है, इसको स्टॉक खरीदना होता है, इसको मशीनरी
चाहिए होती है, इसको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है सो दैट दे कैन ऐड मोर वैल्यू टू द फाइनल गुड. तो फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, ठीक है. और ये भी ज़हन में रखना कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला टोटली डिपेंड करता है ऑपरेशंस के आउटपुट के ऊपर. यानी मार्केटिंग वाले को अगर कोई चीज़ बेचनी है तो वो ओरिजिनली ऑपरेशन वाले को बोलेगा, यार देखो मैंने मार्केट रिसर्च कर लिया है, ये तुम प्रोडक्ट बना दो और खुदा का खौफ करो इसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम जब प्रोडक्ट बनाओगे ना तो मैं प्रोडक्ट मार्केट में बेचकर आ जाऊंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा वो प्रोडक्ट में होना चाहिए. इसलिए काइंडली टीच मी फर्स्ट कि प्रोडक्ट में है क्या, सो दैट व्हेन आई एम पिचिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट या रिक्वायरमेंट टू द कस्टमर बिजनेस या कस्टमर फाइनल कंज्यूमर को जब मैं पिच कर रहा हूँ तो कम अज कम मैं उसमें वाली बातें करूँ सो दैट कंज्यूमर को और कस्टमर को पता चल सके कि वाई दे आर बाइंग दिस थिंग एंड दे शुड बी एक्सपीरियंसिंग दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट व्हेन दे आर कंज्यूमिंग इट. तो यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मार्केटिंग वाले का ऑपरेशन के साथ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लाजमी है. अगर नहीं होगा प्रोडक्शन कुछ ही और चीज़ की हो जाएगी, जब तक कम्युनिकेट नहीं होगी तो मार्केटिंग वाला कुछ और कहकर भेज रहा होगा एंड हेंस दिस ब्रिज इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. ये ब्रिज अगर नहीं होगा द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट एंड दैट इज द रीजन वेयर योर प्रोडक्ट रिगार्डलेस हाउ वेल दे हैव बीन प्रमोटेड हाउ वेल दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड बट सिंस द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज नॉट राइट, सही है, दैट इज द पॉइंट वेयर योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू लूज द मार्केट. ठीक है, तो द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, सो अब इस चीज को जहन में रखते हुए हमारे पास प्रोसेस होता है, सही है. प्रोसेस क्या चीज है हमारे पास, वी हैव सम इनपुट्स, वी आर गोइंग इनटू द प्रोसेस एंड देन वी गेट समथिंग एज आउटपुट एंड वी वांट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस टू बिकम एफिशिएंट, ठीक है, टू बिकम इफेक्टिव, ठीक है. एंड व्हाट इट व्हाट मेक्स एनी प्रोसेस एफिशिएंट या इफेक्टिव उसके बारे में हमने बात करनी है, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली समथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट और इसके ऊपर फिर हम लोग एक करके हम लोगों ने बात करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है. सो प्लान ये है कि ये छोटे छोटे से काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस करना है, क्योंकि ऑपरेशंस की बेसिक्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को एक एक करके डिस्कस करनी है, ठीक है जी. ओके, सो ये हमारी पहली चीज़ जिसके ऊपर हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं विच इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस असल में क्या चीज़ है, इट्स बेसिकली यू कैन सी दैट वी हैव सम इनपुट्स, वी हैव सम आउटपुट एंड देयर इज़ अ प्रोसेस इन बिटवीन दैट, ठीक है. ये जो चीज़ है इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं, यानी वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आर इनपुट्स इन टू द रिक्वायर्ड आउटपुट्स, ठीक है. अब इनपुट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किन किन चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट्स के लिहाज से. तो इनपुट में हमारे पास जी रॉ मटेरियल आ सकता है, सही है. इनपुट में हमारे पास मनी यानी कैश हमारे पास आ सकता है, सही है. हमारे पास जो है वो स्किल्स ऑफ लेबर आ सकती है एज एन इनपुट, ठीक है. और हमारे पास एक और चीज़ जिसको हम कह सकते हैं, दिस इज बेसिकली समथिंग नोन एज सेमी फिनिश्ड गुड. ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रखो कि जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज इनपुट्स तो इनमें से एक या सब की कॉम्बिनेशन हम इनपुट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. देन वी बेसिकली हैव सम काइंड ऑफ अ प्रोसेस एंड देन वी गेट समथिंग एज एन आउटपुट. वो अपने प्रोसेस का आउटपुट होता है. रिमेंबर दैट इट कुड बी पॉसिबल के इट बिकम्स द इनपुट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, क्योंकि एक प्रोसेस खत्म होता है तो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. जैसे आपकी ए एस खत्म होगी तो ए टू स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब द आउटपुट ऑफ ए एस विल बिकम द इनपुट ऑफ ए टू. तो आप अभी जब ए एस करके निकलेंगे तो आप फिनिश गुड नहीं होंगे, आप सेमी फिनिश गुड होंगे. लेकिन जब ए लेवल्स करके निकलेंगे
तो फिर आप एक फिनिश गुड की तरह एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट्स, तो आउटपुट्स के अंदर हमारे पास या तो सेमी फिनिश गुड निकलती है, और ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ये जो हमारे पास इनपुट है और उसके लिहाज से जो आउटपुट है, ये दोनों चीजें ज़हन में रखते हुए कि बहुत जरूरी इस चीज के है कि ये जब इनपुट वर्सेस आउटपुट हमारे पास हो रहा हो तो हमारा प्रोसेस जो है इट हैज टू बी ठीक है, आर प्रोसेस हैज टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब ये है कि कम टाइम में काम करो, सही है, लेकिन एफिशिएंट में सिर्फ कम टाइम को ही कंसिडर किया जाता है, बाकी चीजें कंसिडर नहीं की जाती। बाकी चीजें कंसिडर किस में की जाती है, बीइंग इफेक्टिव के अंदर। यानी बीइंग इफेक्टिव का मतलब क्या है, अगर कोई हम चीज कहें, एक प्रोसेस को कहें कि जी वो इफेक्टिव है, तो वो बेसिकली एक ऐसा होगा जो कि लो कॉस्ट पे काम कर रहा होगा, सही है, यानी कि उसे कॉस्ट रिलेटिवली कम लगेगी। नंबर टू, लो वेस्टेज, सही है, उसमें इनपुट का वेस्टेज नहीं हो रहा होगा, हमें बहुत ज्यादा इनपुट नहीं चाहिए होगा बहुत ज्यादा आउटपुट के लिए, हम जितना आउटपुट चाहते हैं उसी के लिहाज से हम अपना वो रखेंगे, इनपुट रखेंगे और हमारा काम होना शुरू हो जाएगा, मीनिंग वेस्टेजेस नहीं होंगी, ठीक है। और अगर किसी प्रोसेस में वेस्टेज हो रही है तो वो तेज जरूर हो सकता है, इफेक्टिव नहीं हो सकता, यानी कि एफिशिएंट जरूर हो सकता है लेकिन इफेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है। और तीसरी चीज जो इसके अंदर आती है, दैट इज ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो प्रोसेस है, और हमने पढ़ना भी थ्रू आउट यही है कि व्हाट सो एवर प्रोसेस इज, भले वो जॉब प्रोडक्शन है, भले वो बैच प्रोडक्शन है, भले वो फ्लो प्रोडक्शन है, भले वो मास कस्टमाइजेशन है, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे सब चीजें, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, ये प्रोसेस को क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए, मीनिंग अब ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब इनपुट जाए तो आउटपुट जल्दी बने, एफिशिएंट, कम वेस्टेजेस हो, इफेक्टिव का एक पोस्टुलेट, ठीक है, कम कॉस्ट में हो, ज्यादा कॉस्ट में तो हर कोई सब काम कर सकता है, सही है, लेकिन कम कॉस्ट में तो बात भी, लो क्वालिटी पे हर कोई काम कर सकता है, हाई क्वालिटी पे काम कर तो बात भी, ज्यादा वेस्टेज के साथ हर कोई काम कर सकता है, कम वेस्टेज के साथ काम हो तो बात भी, स्लो हर कोई काम कर सकता है, फास्ट हो तो क्या ही बात है, मीनिंग अब हमने थ्रू आउट जो प्रोसेस पकड़ना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, इट्स बेसिकली कि योर प्रोसेस हैज टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या है, जब आपका इनपुट कन्वर्ट होता है आउटपुट के अंदर, सही है, एंड द प्रोसेस ठीक है, तो ये चीज जो है ये हम लोगों को ज़हन में रखनी है। अब हम लोगों को इसके लिए काम करना है कि हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सही है, हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्टेजेस, एरर्स, लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव हो जाएंगे, ठीक है, हाउ कैन वी इंश्योर के हायर क्वालिटी, ज्यादा वैल्यू एडिंग काम हो रहा है, वी कैन यूज लाइक कैड और कैम वाली कहानियां, या हमारे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, हाउ कैन वी प्रोड्यूस क्विक, वी नीड टू हैव लाइक फ्लेक्सिबल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये वो तमाम तर चीजें होती हैं जिसके लिहाज से, अब यही बातें हमने पढ़नी भी है, हम लोगों ने एक काम पढ़ना है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, वो ये रहा, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है कॉस्ट लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव, यानी कैट कैम के लिहाज से बात करनी है, वो इसके लिए पढ़ना है, सही है। उसके बाद हम लोगों ने कहा जी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए तो कैट कैम तो यहां पर आ ही जाएगा, साथ साथ क्या चीज आ जाएगी, हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा यार हम लोगों को जो है वो काम को तेज करना है, तो हमने कहा ठीक है जी, ये देखें प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोसेस फ्लेक्सी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी की बात आज हमने करनी है, तो वो एफिशिएंसी की बात आ गई, मीनिंग सब चीजें हमने काम करनी है, बस यही पढ़ना है हमने सारा का सारा, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज ऑल अबाउट, ठीक है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिए। अच्छा,
अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ भाई प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज करनी लाजमी है भाई, व्हाई कंपनीज आर सो कीन टू हैव हायर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, मतलब ना करें क्यों? अब ये हायर प्रोडक्टिविटी लेवल्स का मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, इनको ओवरऑल भले मशीन हो भले लेबर हो कोई भी हो, प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा करना है। मीनिंग प्रोडक्टिविटी का बेसिक फॉर्मूला होता क्या है? सही है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। और ये जो आपके आउटपुट अपॉन इनपुट वाली कहानी है, इसको ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा होना। कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, आपके पास जो पहले जो चीज है वो ये कि जी एग्जिस्टिंग स्टाफ को तो आप ट्रेनिंग करवानी शुरू कर दें सो दैट वो गलतियां ना करें, ठीक है। ट्रेनिंग का असल डिपार्टमेंट कौन है? एचआर, इसलिए ऑपरेशंस वाले लेके पहुंच जाएंगे, भाई हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए, ये लोग बैठे हुए इन लोगों को प्रोडक्टिविटी चाहिए होगी, काइंडली गुजार ट्रेन करें, बताएं ये काम कैसे करना है, नई मशीनरी लेकर आए, सीधा ट्रेनिंग करवा दें कहीं। अब वो भले आप ऑन द जॉब करवाएं, ऑफ द जॉब करवाएं, इंडक्टिव करवाएं, उससे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को मसला नहीं है, वो कहते हैं ट्रेन कर दो मेरे बंदे, वो फिर एचआर ढूंढेगा कि कौन सी टेक्निक कौन सा मेथड जो है वो ट्रेनिंग का मोस्ट सूटेबल है इन ऑर्डर टू गेट दिस पर्टिकुलर टारगेट अचीव, ठीक है। सिमिलरली एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग आमतौर पे अपने आंसर्स के अंदर लिख रहे होते हैं, दैट इज के जो वर्कर्स की जो मोटिवेशन लेवल है वो ज्यादा होना चाहिए। माना कि मशीन से काम हो सकता है लेकिन मशीन का ऑपरेटर तो ह्यूमन ही होगा, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, वो टाइम को वो काम को टास्क को विजिलेंटली नहीं कर रहा, तो मशीन खुद से कुछ नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके एम्प्लॉय का इनपुट लाजमी होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन और इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन, और अगर वो नहीं होगा तो फिर आप मारे जाएंगे, सही है। एट टाइम्स कंपनीज डू कंसिडर टू एक्वायर परचेज टेक्नोलॉजिकल एडवांस इक्विपमेंट, सही है, महंगे यूनिट्स खरीदने का सोचती हैं कि यार चलो हम लोग जो है वो खुद से जरा सेंसर शेंसर लग जाए तो हम लोग जो है वो ह्यूमन एरर को हम लोग खत्म कर देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यस, कंपनीज आर गोइंग टू अप्लाई फॉर सच टेक्नोलॉजीज, और जब ये काम हो रहा होगा तो हम कैपिटल इंटेंसिव हो जाएंगे, मीनिंग हमारी डिपेंडेंस फ्रॉम लेबर मूव कर जाएगी टुवर्ड्स कैपिटल, ठीक है। और इसकी वजह से जो एम्प्लॉय होगा उसकी मोटिवेशन लेवल जो होगा, सही है, उसका जो मोटिवेशन लेवल है, ये वाला जो मोटिवेशन लेवल है, सही है, इट्स गोइंग टू गो डाउन, सही है। तो ये चीज होने वाली है, अगर आप परचेस करते हो तो ये चीज ध्यान में रखो कि आपके वर्कर की जो मोटिवेशन लेवल है वो गिरेगी, अनलेस कि आप उसको पर ट्रेन करवाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली वी बेसिकली नीड टू हैव एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को तेज होना चाहिए, एफिशिएंट होना, तेज एफिशिएंट तेज, सही है। तो ये बेसिकली आपके पास सो दैट आपको ये चीज, अब यहां पर ना वर्ड क्विक के साथ मैं बात करूंगा इसको, सही है। एफिशिएंट बेसिकली चीज को तेज करने को कहा जाता है, ऑपरेशंस की कैटेगरी के अंदर तेज काम करने को कहा जाता है। तो अगर आपकी मैनेजमेंट जो होगी वो तेज काम करेगी तो जो डिसीजन होगा वो जल्दी लेगी, डिले नहीं करेगी, क्योंकि प्रोडक्शन का टारगेट होता है व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड बाय द मार्केट शुड बी प्रोवाइडेड एज सून एज पॉसिबल, तो इसमें देर नहीं करनी पड़ती, और जल्दी करने में क्वालिटी खराब नहीं करनी पड़ती, रिक्वायरमेंट्स को भी जहन में रखना पड़ता है। ये थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है जिसको हम लोगों ने काम करा है। देयरफॉर जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स है आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रोडक्टिविटी लेवल्स आप मेंटेन नहीं करेंगे, सही है, प्रोडक्टिविटी को आप इंक्रीज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है, सही है, वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि रेजिंग प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस, मेक द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इफेक्टिव, सही है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इफेक्टिव, ठीक है जी। सो देन वी मूव ऑन टू द वेरी क्लासिकल क्वेश्चन जो कि बहुत दफा पेपर वन के अंदर भी आ चुका है, और बच्चा जो है इसको आमतौर पर जो है इस पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि यार ये चीज है जो हमें आती है, लेबर इंटेंसिव वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव, सही है। यानी कोई काम अगर किसी काम की फाइनल क्वालिटी यानी कि उसके आउटपुट की क्वालिटी डिपेंड करती है ह्यूमन स्किल के ऊपर तो वो काम लेबर इंटेंसिव है, लेकिन अगर उसी क्वालिटी डिपेंड कर रही है टेक्नोलॉजी या मशीन या इक्विपमेंट के ऊपर, सही है, देन इट्स बेसिकली योर कैपिटल इंटेंसिव। फॉर एग्जांपल आपने अपना एक घर बनाया और घर बनाने के बाद आपने इसमें बहुत बड़ी वॉल टू वॉल आपने एक बड़ी सारी कैलीग्राफी लगानी है। अब कैलीग्राफी लगाने के दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वन ये कि आप एक अच्छी सी तस्वीर लें उसका
पेनाफ्लेक्स वाला प्रिंट आउट बड़ा वाला निकलवाएं और लगा दें। अल्लाह का रसूल, ये जो काम हरकत की है आपने, ये इंटरनेट से आपने कोई भी बड़ी प्यारी सी तस्वीर आपने उठाई होगी, उसको हाई पिक्सल्स के ऊपर कंप्यूटर में रखा होगा और कंप्यूटर से उसको डिजाइन शिजाइन करने के बाद उसको जो है आपने एक प्रिंट आउट निकाला और लगा दिया। कैपिटल इंटेंसिव काम किया ये आपने सारा का सारा कैड कैम के थ्रू, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सही, कैड के थ्रू काम किया आपने, सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है जनाब, कि आप एक आर्टिस्ट को कहते हैं कि यार ये एक कैलीग्राफी है, मुझे ये आयत या मुझे ये चीज जो है मुझे इसको कैलीग्राफी में करना है, या मुझे कोई एक पेंटिंग बना के दो, या खुद से पेंटिंग बनाओ लगाओ, तो वो अब अपनी स्किल पे काम करेगा, लेबर इंटेंसिव। प्रिंट आउट निकाल कर लगाना मेरे ख्याल से एक दिन के अंदर काम हो जाएगा, लेकिन अगर वो कैलीग्राफी या वो एक बड़ी पेंटिंग, वॉल टू वॉल पेंटिंग जो है वो कोई आर्टिस्ट बनाएगा तो उसको महीना प्लस माइनस लग सकता है। इसका मतलब ये कि लेबर इंटेंसिव स्लो होता है, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव तेज होता है, सही है। कैपिटल इंटेंसिव महंगा होता है, लेबर इंटेंसिव सस्ता होता है, लेकिन इस सस्ते होने के ऊपर जो एरर के चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर्स का चांस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। सो अगेन हमारे पास चीजें क्या क्या आ रही हैं, नंबर वन डिपेंडिंग ऑन स्किल्स ऑफ द लेबर, अगर आपका स्किल्ड लेबर नहीं है आप इसको अचीव ही नहीं कर सकते। स्किल्ड लेबर काम कर रहा है, छोड़ के चला गया, दूसरा कंटिन्यू करने के लिए अगर मस्ट हैव द सेम क्या नाम है इसका, स्किल लेवल होना लाजमी, अदरवाइज वो काम वैसे कंटिन्यू होगा नहीं, एकदम से झोल आ जाएगा उसका, ठीक है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, काम स्लो होगा, ठीक है, चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आपका जो एम्प्लॉय है वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएगा, वो स्पेशलाइज करेगा, सही है, काम करता जाएगा, वो स्पेशलाइज होता जाएगा। अगर आप लोग चेज पे जाएं या किसी और ऐसा की शॉप पे जाएं, तो वो तमामतर लोग जो थैलों में चीजें भर रहे होते हैं, काउंटर्स पे खड़े हुए होते हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, सही है। इवन आप किसी मिठाई की दुकान पे भी जाएं या किसी बिरयानी के शॉप पे जाएं, तो वो बंदा जो प्लेटें बना बना के डाल रहा होता है उसकी आप स्पीड चेक करो सर, क्योंकि उसने वही काम करना है सुबह से लेकर शाम तक, स्पेशलाइज हो गया, सही है, वो हर धोखे टंग करके वो पतीले में मारता है अपना चम्मच। तो ये तरीका है उसका, यार ठीक है, एक ऑर्डर डन, दूसरा ऑर्डर डन, तीसरा ऑर्डर डन, पर प्लेट के लिहाज से मेरा ख्याल है कि वो पर प्लेट के लिहाज से एक दफा टंग मारता है ताकि काउंट आ जाए उसके जहन में कि कितना हो चुका है, सही। आई डोंट नो कि वेदर ही इज ट्राइंग टू डू दैट और नॉट, बट मेरा एक पर्सनल एनालिसिस ये कहता है, सही है। अच्छा जी, डेफिनेटली इट्स चीपर टू ऑपरेट लोग हैं, लेकिन इसके लिए आपका जो वर्कर हैज टू बी मोटिवेटेड, मोटिवेटेड स्टाफ होगा तब ये काम हो सकता है, अदरवाइज देयर इज गोइंग टू बी अ बिग गैप इन प्रोडक्टिविटी एंड द टास्क डन। टास्क डन तो हो जाएगा, प्रोडक्टिव वो नहीं हो बात की कहानी, सही है। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करते हैं, सो ये सारी के सारी है ओरिजिनली डिपेंड किस पे करती है, टेक्नोलॉजी के, सही है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो अपग्रेड करवाना पड़ेगा, और यही चीज है यहां पर भी, देखो अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे आपके मोबाइल फोन्स के अंदर एप्लीकेशन जो है मुसलसल अपने आप को अपडेट करती रहती है, सही है, और अपडेट करती हैं तो उसके लिहाज से उसमें नए फीचर्स भी आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा ही है। आपने एक मशीनरी ली भी, आपने प्रिंटर्स लिए हुए, हाई एंड प्रिंटर्स लिए हुए, भाई अब हाई एंड प्रिंटर से ज़्यादा बड़ी क्वालिटी की आपके पास चीज़ें आनी शुरू हो गई, तो आपको वो अपडेट करना पड़ेगा, सही है। बिल्कुल इसी तरह से क्योंकि टेक्नोलॉजी है इसलिए बहुत तेज काम करेगी, स्पेस बहुत, यानी कि एकदम से जैसे आप लेबर इंटेंसिव को कैपिटल इंटेंसिव पे लेके जाएंगे ना, कुछ हो ना हो स्पीड बढ़ जाएगी, काम तेज होगा। अब बाकी होता है नहीं होता वाला था बात, पहले स्पीड तो तेज हो ही जाएगी, तो ये तो एक बिल्कुल जेन्युइन किस्म का एक पॉइंट है, सही है। क्योंकि कंप्यूटर है इसलिए चांसेस ऑफ एरर्स जो है वो रिलेटिवली कम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं जितना भी आप लोगों के साथ जो कम्युनिकेट कर रहा हूं सारा कैपिटल इंटेंसिव, सही, मैं लिख नहीं रहा ज्यादा, सारा मैं डिपेंड किस पे कर रहा हूं, सारा का सारा इस वक्त मैं कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी पे मेंटेन कर रहा हूं कि मैं आई हैव अ कैमरा, आई हैव लाइक सम काइंड ऑफ कनेक्शन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, आई एम राइटिंग डाउन, वो हवा में लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पीछे उसके हाथ भी जा रहा है, सही है, ये चीजें भी हो रही हैं सारी की सारी, सही है। सो इट्स अगेन द सेम थिंग, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ यहाँ पर कुछ चीज लिखी हुई नजर आ रही है। दिस इज बेसिकली समथिंग काइंड ऑफ अ प्रोसेस, ये मैं सारी चीजें मैं इनपुट कर रहा हूँ, कुछ बीच में प्रोसेस हो रहा है और वो आपके सामने ये चीजें पूरी की पूरी चीज आउटपुट नजर आ रहा है, सही है। सिमिलरली यू नीड टू हैव लाइक, अब आपको कैपिटल इंटेंसिव के लिए, क्योंकि मशीन चलाने के लिए आपको बंदों की जरूरत है, देयरफॉर इट इज अ रिक्वायरमेंट के यू नीड टू हैव ट्रेन्ड पीपल, सही है। अच्छा, लेबर इंटेंसिव में आप ट्रेन नहीं करते, करेंगे भी तो वो इतना एक्सपर्ट बनेगा नहीं,
ठीक है। सिमिलरली ये इसका एक मेजर पॉइंट है कैपिटल इंटेंसिव का, कि जब कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटीज हो रही होती हैं तो कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनकी जगह पे काम कौन कर रहा है, मशीन कर रहा है। तो अगर आप काम नहीं करोगे और आपको कैपिटल इंटेंसिव फेज में जाएंगे और आप इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तो यू विल बी रिडंडेंट, नॉट डिसमिस्ड, रिडंडेंट। सही है, कैपिटल इंटेंसिव से हम लोग रिडंडेंट करते हैं। सही है, इसका मतलब ये कि योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड वाली कहानी। ठीक है, देन हमारे पास जो चीज, जो एक क्वेश्चन बच्चा आमतौर पे देखता है, ये पेपर टू में मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चीजें नजर आने वाली हैं, या ये पेपर वन के सेक्शन ए में नजर आ सकता है। ऑपरेशन से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पेपर वन में नजर आए बड़ा अच्छा लगेगा, पेपर टू में आ जाए मसाला लग जाएगा, अच्छा वहां लगता है वहां मसाला लगेगा, क्योंकि ये बेसिकली बच्चे के पास इतने ज्यादा पॉइंट्स होते नहीं है। ठीक है, अब कैड और कैम की बात है, डिजाइन कंप्यूटर पे करेंगे। सही है, जैसे आपके सामने जितने भी इस वक्त जो स्लाइड्स आ रही हैं सारी कंप्यूटर पर डिजाइन की हुई, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, मैंने हाथ से नहीं लिखा हुआ। सही है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये कि वो उस रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हुए, मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के लिहाज से काम करेगा। जैसे अब रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो 3D प्रिंटर्स आ गए हैं। सही है, वो अजीब से स्कल्पचर्स बनाना शुरू कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे स्कल्पचर्स भी बनते हैं उससे। और वो तकरीबन अभी मैंने, मेरा ख्याल है कोई 6 to 8 inch का जो है वो 3D प्रिंटिंग कर सकता है, और उसका प्रिंटर जो है 79,000 रुपीज़ का। आई डोंट नो वो कलर्स में लेकर आ सकता है नहीं लेकर आ सकता, मुझे ये मालूम नहीं है। से मुझे ये भी नहीं मालूम कि उसका थ्रेड कितना देता है वो। सही है, लेकिन वो 79,000 रुपीज़, 79-80,000 रुपीज़ की चीज़ है, जो सिर्फ 6 to 7 inch की चीज़ आपको 3D में बनाकर आपको दे सकते, वरना पेपर पे तो उसे प्रिंट आउट निकलता है ना, वो 3D में आपको बना के दे। सही है, सो अब कैड और कैम के बेसिक क्या फायदे, कैड इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कैम इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। डिजाइन के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि कैड की बात कर रहे हैं तो लोअर प्रोडक्शन डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, क्योंकि हम प्रोडक्ट को बनाकर रियलिटी में बना के नहीं देख रहे, तो हम वर्चुअली बना के देख रहे होते, दिखने में कैसे रहेगा। गाड़ी जब कोई डिजाइन होती है तो उसका पेपर वर्क एक आर्ट वर्क होता है, कॉन्सेप्ट आर्ट होता है उसका। ठीक है, कॉन्सेप्ट आर्ट के बाद वो जाता है कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर पर उसे 3D मॉडलिंग वगैरह की जाती है, और फिर उसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन के थ्रू उसको वर्चुअली देखा जाता है, अप्रूव किया जाता है, और फिर अगर अप्रूव होते तो उस लिहाज से वेंडर्स को, उस लिहाज से सप्लायर्स को, उस लिहाज से अपनी कंपनी कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है टू गेट दैट पर्टिकुलर कार इन रियल। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वो कैड ना होता तो हम पहले खुद से बनाकर देखते, पसंद नहीं आता तो थोड़ा ताड़ी करते और फिर उसमें कॉस्ट बेयर करते, अब कंप्यूटर पे करते हैं सब चीज़। सही है, इससे ऐसी कॉस्ट फास्ट लोअर हो गए। ठीक है जी, नंबर टू, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास वेस्टेजेस की रिलेटिवली चांसेस कम है। ठीक है ना, क्योंकि अब आप जो चीज बना रहे हो देने देना को नजर भी आ रही है। सही है, सो दैट इज बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग जो कि हम कंप्यूटर एडिट डिजाइन के थ्रू कर सकते हैं। नंबर थ्री, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। जो चीज़ इस वक्त सामने आपके लिखी हुई नजर आ रही है, अगर ये मैं हाथ से लिख रहा होता तो मेरी राइटिंग काफी बुरी है। सही है, सो वो शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन ये जो लिखा हुआ है इट्स बेसिकली क्रिस्प एंड लेजिबल। ठीक है, सो यही वो चीज़ है जो कंप्यूटर के साथ भी होती है, कि जब कंप्यूटर एडिट डिजाइन करोगे तो जो क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट होगा ना वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि मशीन जब काम डिजाइन के लिहाज से जब काम हो रहा होता है ना तो वहां बड़ी क्रिस्प किस्म की चीजें नजर आती है। सही है, बिल्कुल इसी तरह से आपका जो बिजनेस है, फास्टर टाइम टू द मार्केट, कैड के अंदर आप फॉरन चीज बनाकर आप मार्केट में जा सकते हैं, वरना अगर आप लेबर इंटेंसिव काम कर रहे होते तो काफी टाइम लग रहा होता। गुड विजुअलाइजेशन बिफोर कंप्लीशन, घर बना रहे हो आप, आर्किटेक्ट हो, सही है, आपके घर पे एक हाउस प्लान आता है, आप उसको, इसको आप वो कौन सा है उनका यार प्रोग्राम, उनका है एक तो गूगल का है और एक भी ज़हन में नहीं आ रहा, ऑटोकैड। सही है, ऑटोकैड के अंदर आपने पूरा घर खड़ा कर दिया, आपने उसको विजुअलाइजेशन करके बंदे को VR पहना के पहुंचा दिया, वर्चुअली आपने कमरे में पहुंचा दिया, उस घर में पहुंचा दिया, कह रहे वॉक थ्रू करो भाई, देखो चीजें सही है, खिड़कियां शिड़कियां दरवाजे वगैरह सब सही है, वंस डन हम ये बनाना शुरू कर देंगे, तो कस्टमर की एकदम से इंटरेक्शन भी बढ़ जाती है। सही है, और वो विजुअलाइजेशन नहीं यार ये खिड़की थोड़ी सी अच्छी लगी उसे गोल कर दो, आपने वहीं से कंप्यूटर बैठे बैठे गोल कर दिया, उसको वर्चुअल रियलिटी के अंदर वो चीज गोल हुई भी नजर आ गई, पसंद आ गई, नहीं चिकोरी कर दो, पहले भी हम यही कह रहे थे ना, इसे चिकोर, वापस चिकोर कर दे, विजुअलाइजेशन बेहतर होता है। ठीक है,
एंड देन यू हैव ग्रेटर एक्यूरेसी, एंड जब आपके पास ये डिजाइन आ जाते हैं तो आप उसको नेक्स्ट किसी फेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो रोबोटिक्स के थ्रू, ऑटोनोमाइजेशन के थ्रू या ऑटोमेशन के थ्रू आप काम कर रहे हैं, सही है। सो एक तो बड़ा प्रिसाइज काम होता है। अब जैसे आप लोगों का मोबाइल फोन बनता है, ठीक है, तो मोबाइल फोन के जो चिप्स और जितने भी सब चीजें कनेक्शन वगैरह हैं वो बेसिक कंप्यूटर करता है, वो हाथ से नहीं होती, ठीक है। ये आपके जो जिक्सो पजल्स होते हैं, जो छोटे छोटे जिक्सो पजल्स वाले नहीं होते, वो जिक्सो पजल कटते किस तरह से, कैंची से थोड़ी काट रहा होता है कोई, मशीन काटती है, लेजर से कटती हैं चीजें, सही है। इसी तरह से जो आपके ये क्या नाम है इसका, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं वो कौन काटता है, कैसे कटता है, वहीं से कटता है प्रिसीजन के लिहाज से। आपके मेटल के जो जितने भी आपकी ये छुरियाँ वगैरह होती हैं, मेटल के जितने भी आपके वो गॉज वगैरह जितने भी बने हुए होते हैं वो कैसे कटते हैं, वो इसी के लेजर के थ्रू ही कटते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू करते हैं सारा का सारा, सही है। सिमिलरली फास्टर भी है, लेबर की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि जब नया काम आएगा तो इसी के अंदर हम ऑटोमेशन को ही हम चीजें डालेंगे और वो एकदम से अपने आप को वो कर देगा, ऑटोमेट कर देगा, सही है, वो अपडेट कर देगा, ठीक है। सो कैम इज फास्ट, कैम इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कैम इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। एंड सिमिलरली कैम अगर कैड के साथ मिलकर काम करे तो जी वैल्यू एडिशन के आप पहाड़ तोड़ रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि कैड और कैम की ओरिजिनली जो है वो, एक तो पहली बात है डिस्टिंक्शन है, दोनों डिफरेंस है, डिफरेंट है। नंबर टू चीज ये है कि कैड जो है वो प्री प्रोसेस के अंदर है और कैम जो है वो इन प्रोसेस के अंदर है, सही है। कैड जो है सही है, सो प्री प्रोसेस एक्टिविटी का काम से पहले का, सही है। एंड देन आपके इन प्रोसेस इज बेसिकली जब आप काम में हो, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी को एक बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि उनको कैड और कैम का अगर इस्तेमाल करना है, सही है, तो दे बेसिकली आर मूविंग फ्रॉम लेबर इंटेंसिव टू कैपिटल इंटेंसिव, सही है। ये ज़हन में रखना है, कैपिटल इंटेंसिव कैसे हो सकता है कि जी वो हम कैड कैम का इस्तेमाल करना शुरू करें, ठीक है। अब कैड कैम तो हो गया, अब पॉइंट आता है कि जी ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती कैसे, अचीव कैसे होती है और करते क्यों है। फ्लेक्सिबिलिटी लाना लाजमी है क्योंकि हमारे पास ये ज़हन में रखो कि डिफरेंट वॉल्यूम भी आ सकता है, सही है, डिफरेंट वॉल्यूम पे काम करने को भी कहा जा सकता है, डिफरेंट सही है, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से भी कहा जा सकता है कि यार मैं अब ग्रीन नहीं बनाना, मुझे ब्लू बनवाना है, ठीक है यार सर, सर ये अगर ये राइटिंग जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो क्या ही बात है, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और तीसरी चीज जो है विच इज बेसिकली ये ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी में आती है, दैट इज लीड टाइम, सही है। लीड टाइम इज बेसिकली आपको जब ऑर्डर मिला है और ऑर्डर मिलने का जब आपने उसको डिलीवर किया, तो ऑर्डर मेड एंड ऑर्डर रिसीव के दरमियान का टाइम जो है वो लीड टाइम है। अब फ्लेक्सिबिलिटी जो ना ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी होती है, भाई कम बनाओगे कम कॉस्ट, ज्यादा बनाओगे ज्यादा कॉस्ट, नहीं 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 ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कम बनाओगे फिर भी उतनी ही कॉस्ट, कम आमतौर पर जब लोग कम बनाते हैं ना तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, सही है ना, क्योंकि वो बल्क परचेजिंग इकोनॉमी डिस्काउंट हासिल नहीं कर पाते, नहीं फ्लेक्सिबिलिटी उस वक्त है, ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उस वक्त की जो कॉस्ट है वही कब कॉस्ट हो रही है जब कम प्रोड्यूस करोगे, सर जी कैसे हो सकता है, हो सकता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज स्ट्रेटेजिक अलायंस, सेट योर स्ट्रेटेजिक अलायंस, यानी कि बिजनेस कस्टमर बिजनेस के साथ या सप्लाइंग बिजनेस के साथ अपनी रेपुटेशन रिलेशन इतना स्ट्रांग कर दो कि वो आपको सस्ते पर देने पर कामयाब हो जाए और वो एग्री कर जाए, ठीक है। Therefore आपके पास जो स्पेसिफिकेशन है आप उसी स्पेसिफिकेशन में काम करो, ये ना कहें भाजी ये तो नहीं हम कर सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं होगा, सब कुछ होगा, सही है। और लीड टाइम जितने लीड टाइम पे कहा जाए कम से कम पॉसिबल लीड टाइम में, क्योंकि ज्यादा लीड टाइम पर हर कोई काम कर सकता है, अपनी मन मौजी का काम हर कोई कर सकता है, सही है, अपनी मर्जी का वॉल्यूम हर कोई ले सकता है,
लेकिन ये है कि वॉल्यूम कम भी लो ज्यादा भी लो, कॉस्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। कम टाइम लो ज्यादा टाइम लो, कम ज्यादा टाइम तो देना ही नहीं है, कम टाइम लो लेकिन क्वालिटी सही होनी चाहिए, डिटोरिएट ना हो, सही है। कस्टमर को स्टैंडर्ड चीज नहीं देनी, स्पेसिफिकेशन पे चीज देनी है, जो कह रहे हैं उसके लिहाज से चीज बना के देनी, सही है। दिस इज बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा जी, कैसे अचीव की जा सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके अंदर चीज आती है वो आती है जनाब हमारे पास के जो कंपनीज हैं, दे बेसिकली ट्राई टू इंक्रीज द कैपेसिटी बाय एक्सटेंडिंग बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स। अब मशीन्स को इस्तेमाल किया जाता है, कंपनी मशीन्स को इस्तेमाल करती है, कंपनी बिल्डिंग्स को इस्तेमाल करती है, इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करती है, और वो ऐसे इक्विपमेंट्स लेकर आती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर करवा, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनीज फॉरन से पैसा क्या करती हैं, ज्यादा स्टॉक होल्ड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। कैसे? कंपनी ने 1 लाख यूनिट्स खरीद के रख ली है रॉ मटेरियल, सही है। अब अगर वो 1 यूनिट भी बनाएंगे तो वो एवरेज कॉस्ट, तो उनको 1 लाख के ऊपर डिस्काउंट मिल चुका है बहुत ज्यादा, वो उनकी एवरेज कॉस्ट है, सही है। लेकिन जब वो 1 यूनिट बना के बेच रहे होंगे तो वो उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी बहुत कम होगी। इसलिए कंपनीज आमतौर पर बिलीव करती हैं कि जी फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हम लोगों ने बल्क में खरीद लिया। ये आगे जाके बात होने वाली, स्टॉक मैनेजमेंट में ये वाली बात होने वाली है, जो कि गलत है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास जो एडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स होनी लाजमी है, सही है। फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आपकी वर्कफोर्स को फ्लेक्सिबल, मल्टी स्किल्ड होना लाजमी, सही है। अगर आपने ट्रेन करवा के ही लोगों से काम करवाना है तो फिर तो हर कोई काम करवा सकता है, ठीक है। एंड देन हैव फ्लेक्सिबल फ्लो लाइन प्रोडक्शन इन इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखना कि इस वाले पॉइंट के लिए हम लोगों ने आगे जाकर सही है मास कस्टमाइजेशन के लिहाज से हमने बात करनी है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखो कि जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं इन तमाम तर चीजों के अंदर, ये वो रीजंस हैं हाउ टू अचीव। मशीनरी या इक्विपमेंट ले लो, स्टॉक बढ़ा दो, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स ले लो, मास कस्टमाइजेशन यानी कैपिटल इंटेंसिव हो जाओ, ये वो चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग कहते हैं हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर सकते हैं। भाई करनी क्यों है, व्हाई वी वांट टू अचीव, सिंपल सिंपल सी कहानी है। नंबर 1, वी रियली वांट टू बिकम कंपेटिटिव। हम अपने कॉम्पिटिटर को टेंशन देना चाहते हैं, उसकी रातों की नींदें हराम करना चाहते हैं, ताकि वो ये सोचे कि यार ये कॉम्पिटिटर जो है हमें खा जाएगा अगर हम लोगों ने अपने आप को ऑन टोज ना रखा या अपने आप को इनोवेट ना किया, सही है। आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है, बिल्कुल ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं तो आपके पास फिर वो काम जल्दी होता है, टाइम बच जाता है, दूसरा काम करते हैं फिर हम, सही है। वैल्यू ऐड की जाती है, बिल्कुल कम काम कम वेस्टेज के ऊपर जल्दी चीज डिलीवर करना कस्टमर की रेपुटेशन के सामने, कंपनी की रेपुटेशन कस्टमर के सामने बढ़ाता है, सही है। क्यों? क्योंकि द बेसिक पॉइंट इज दिस कि हम समझ रहे थे कि 40 मिनट में हमें एक चीज मिलेगी, बट दैट बेसिक केम इन 20 मिनट्स, कंपनी कैन चार्ज प्रीमियम प्राइसेस ऑन दैट, सही है। मार्केट शेयर आपका इंक्रीज हो जाता है और कस्टमर बेस आपकी बढ़नी शुरू है, कस्टमर खुश होता है आपके साथ यार, जब आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं ना, तो उसके लिहाज से फिर आप न्यूमरस वेरिएशंस लेकर आते हैं। जब न्यूमरस वेरिएशंस लेकर आते हैं तो इससे होता क्या है, कस्टमर को लगता है यार ये हमारी ही सुन रहा है, सुन तो हम उनसे ही रहे होते हैं, बिल्कुल। रादर हम उसको इस सेंस में ले जाओ कि हम उसका इतने ज्यादा परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि वो हमारी मर्जी का सोचता है, तो उसको लगता है ऐसे वो सोच रहे और हम वो काम कर रहे हैं। असल में एडवर्टाइजमेंट का ये खेल है कि इतना एडवर्टाइजमेंट कर दो कि वो हमारा सोचना शुरू कर दें, हमारे बारे में सोचना, हमारे प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दें, फिर हम इसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो कस्टमर क्या समझेगा, कस्टमर ये समझेगा कि यार देखो मैंने सोचा ये प्रोडक्ट आ गया, चूजा, सिंपल अल्फाज में, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली समथिंग जो कि हम लोगों को देखना। अच्छा जी, अब हमारे पास चीज आती है जनाब जिसको रिसेंट डेज के अंदर काफी ज्यादा पेपर के अंदर इसको इम्पोर्टेंस मिलने शुरू हुई है, ठीक है। और ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंस है उसको सेक्शन ए पेपर 1 के अंदर नजर आ रहा है ज्यादा, ठीक है जी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि साइज ऑफ द बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा और उस बढ़ने पर अगर कॉस्ट कम होती है, एवरेज कॉस्ट कम होती है, तब ये कहलाया जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर सिर्फ एवरेज कॉस्ट कम हो रही हो, स्केल ऑफ ऑपरेशन ना बढ़ा हो, सही है, बिजनेस बड़ा ना हुआ हो, लेकिन फिर भी हमने कॉस्ट कम कर लियो, तो इसको कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस। मकसद सिर्फ एक दो वर्ड्स लगाने से टर्मिनोलॉजी ही चेंज हो रही है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस डूइंग द सेम टास्क एट एन
लोअर कॉस्ट, लोअर एवरेज कॉस्ट, सही है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, फैक्टर्स दैट रिड्यूसेस कॉस्ट व्हेन स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस, यानी कि सिर्फ स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस को अगर हमने निकाल दें तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, कॉस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, कौन कौन सी होती है? पहली वाली जनाब, बल्क में खरीद लें, डिस्काउंट्स मिल जाएगा आपको, सही है। मैनेजेरियल, मल्टी स्किल्ड बंदा रख लो, सैलरी बच जाएगी। एक्सपर्ट रख दो, महंगा होगा एक्सपर्ट, लेकिन एक्सपर्ट रखोगे तो उससे एरर और वेस्टेजेस कम हो जाएंगे, प्लस वो स्पेशलाइज्ड होगा तो क्रिएटिव भी होगा, सही है। फाइनेंशियल, ऐसे लोन लो कि आपको सस्ते पे लोन मिले, सस्ते का मतलब ये कि आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, सही है। टेक्निकल, मशीन खरीद लो, ऑटोमेशन कर लो, इक्विपमेंट खरीद लो, टेक्नोलॉजी ले आओ, कैपिटल इंटेंसिव हो जाओ, सही है। एक दफा का बड़ा खर्चा है ये, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसको इन कैश करवा के अपने आप को फायदा दिला सकते हैं। और ये भी याद रखो कि एक टेक्निकल इकोनॉमी के अंदर अगर हम मशीनरी की बात करते हैं तो फिर वही फाइनेंस वाला चैप्टर चला जाता है, भाई जरूरत है या जरूरत नहीं है। सर जी देखेंगे, जरूरत तो नहीं है मेरा ख्याल है अभी तक तो, लेकिन हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, फिर इस टेक्निकल के लिए जो मशीन भी खरीद रही होंगे ना, वो हायर परचेज में खरीदेंगे। अगर कंपनी ने कह दिया कि नहीं जी पक्का पक्का लाजमी है इसको खरीदना, लाजमी है, तो हम इसको करवा देंगे लीज, सही है। मार्केटिंग, कम मार्केटिंग करो, ज्यादा सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो, मकसद इफेक्टिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी। रिस्क बेयरिंग, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दो, कुछ तो बिकेगा मार्केट के अंदर, तो इससे चांसेस ऑफ लो प्रॉफिट और लॉसेस खत्म हो जाते। ठीक है, फिर हमारे पास आया था जनाब मिसकम्युनिकेशन, ये डिस इकोनॉमीज है। डिस इकोनॉमीज का मतलब क्या है? तमाम तर वो फैक्टर्स जिनके थ्रू कॉस्ट बढ़ रही है। जब बड़ा बिजनेस होता है ना, तो उसकी कॉस्ट गिरती भी है तेजी से, और एकदम से उसकी तेजी से कॉस्ट वापस ऊपर आती है और तोड़ के छत निकल जाती है, क्योंकि ये मसले आते हैं। ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, बात कुछ हो रही है, समझ कुछ और आ रहा है। जैसे अभी मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया, सर आपकी क्लास कितने बजे शुरू होगी? मैंने उसको यूआरएल सेंड कर दिया, तो उसने कहा सर आपने वेव्स स्टार्ट करवा दी है। मैंने कहा वेव्स? नहीं, फिजिक्स की क्लास नहीं है। तो पता चला देयर इज अनदर सर दानिश जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, और शायद उन्होंने वो सेशन स्टार्ट किया हो किसी तरह से। तो बच्चा ने असल में उनको मैसेज करना था, मुझे मैसेज कर दिया, मिसकम्युनिकेशन हो गई भी, अदरवाइज वो यहाँ बैठी पढ़ रही होती, कहती पता नहीं वेव्स कब आएगा। ठीक है, तो अच्छा इसी तरह से हमारे पास लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी है। ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का बेसिक मतलब यह है कि आपके डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे अभी। और हमने पहले भी बात की है कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, अदरवाइज प्रोड्यूस अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा, मार्केटिंग भी अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी, लेकिन वो कोरिलेटेड नहीं होंगे, हिंस मे नॉट एबल टू कैप्चर द मार्केट, सही है। इसी तरह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आती है, और जो बड़ा बिजनेस होता है ना, उसमें ऐसा की हरकतें ज्यादा आती है। क्यों भाई? बड़ा इतना बिजनेस है, देख ही नहीं सकते कौन किससे कोऑर्डिनेट कर रहा है, किससे नहीं कर रहा। छोटा बिजनेस होता, चार छह लोग होते, मैं देख लेता यार कौन किससे बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तो इतने सारे हजारों लाखों में एम्प्लॉयज हैं, कौन किससे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, मुझे क्या पता। तो इस वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का इशू आता है। फिर इसी तरह से हमारे पास एक और चीज आती है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन। एम्प्लॉय ने एफर्ट किया, रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, और डिमोटिवेट होने से क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी गिरा देगा, सिंपल सी बात। ठीक है, स्लो डिसीजन मेकिंग। बड़ा बिजनेस जब डिसीजन मेकिंग करता है तो उसके लिए कुछ डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम बेचारे जो लेकर भाग रहे होते हैं टारगेट्स अचीव करने के लिए, हमारे लिए कोई डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम अपना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेकर जाते हैं, जाके डायरेक्टर्स से बात जाके बात करते हैं, उनके जहन में कुछ और होता है, कहते हैं हाँ हाँ सुन लेंगे, टेंशन नहीं, लेकिन थोड़ी देर थोड़ा सा सुकून रखो, फिर हम सुनेंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ डिसीजंस आर मेड। ऐसा नहीं कि डिसीजन मेकिंग नहीं होती, होती है, लेकिन बड़े बिजनेस के अंदर स्लो होती है। ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रखना कि ये जो हमारे पास जितने भी हैं दोनों की दोनों, ये दोनों के दोनों हमारे पास, ये दोनों जो हम लोगों ने लिखी हैं, ये दोनों के दोनों कौन सी? इंटरनल, यानी कंपनी के अंदर है। इसी तरह से हमारे पास आती है एक्सटर्नल, सही है। ठीक है, एक्सटर्नल इकोनॉमी स्केल का मतलब यह है कि ये तमाम तरह ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिर्फ आपको नहीं नजर आ रहे, सबको नजर आ रहे हैं। सिर्फ आप फायदा नहीं उठा रहे, सब फायदा उठा रहे,
देखना ये किसने ज्यादा एक्सप्लॉइट किया इस चीज को, ठीक है? जैसे कि गवर्नमेंट ग्रांट्स, सही है? और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट की ग्रांट्स बढ़ रही हो तो इकोनॉमी स्केल में आ जाएगा। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट की ग्रांट्स कम हो रही हो तो डिसइकोनॉमीज में आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ है मेरे। देन वी मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर गुड एस्पेक्ट ऑफ लोकेशन डिसीजन। अब कंपनीज जो हैं वो ओरिजिनली चाहती हैं कि एक ऐसी जगह पे दुकान खोले जहां पर उनको फायदा हो, ठीक है? और फायदा के साथ साथ एक और चीज हो कि यार उन लोगों का ब्रांड इमेज भी बने, यानी ना सिर्फ वो लोकेट कर रहे हो बल्कि वो अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो। उसके लिए हम क्या लेकर आ जाते हैं, लोकेशन डिसीजन लेकर आ जाते हैं। जी लोकेशन डिसीजन की बात करते हैं, किसी जगह पे अगर आपको जगह ओपन करनी है, दुकान ओपन करनी है, फैक्ट्री लगानी, सब कुछ करनी है, तो कुछ पैसों वाली चीजें देखनी पड़ेंगी। दिस इज ऑल पैसा, सही है? एंड दिस इज नॉन पैसा, सही है? तीन फैक्टर्स कौन कौन से लिखे गए? क्वालिटेटिव नंबर बेस्ड, क्वांटिटेटिव नंबर बेस्ड, क्वालिटेटिव परसेप्शन बेस्ड, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंटरनेशनल फैक्टर्स। क्वेश्चन जो आता है वो पेपर थ्री के अंदर आता है कि एक बिजनेस किसी दूसरी कंट्री में लेकर जा रहा है, तो वहां पर जब किसी दूसरी कंट्री में जाने की बात होगी, इंटरनेशनल की बात होगी, तब ये तीसरे वाले बॉक्स के ऊपर हम बात करेंगे। अदरवाइज हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बारे में बात ही करते रहेंगे, सही है? याद रखिए, सही है? सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जनाब, कि हमारे पास जो लोकेशन डिसीजन के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है। हमारे पास जनाब वी हैव साइट कॉस्ट, ठीक है? फिर हमारे पास जो है वी हैव ट्रांसपोर्ट, लेबर कॉस्ट, सस्ता लेबर है, महंगा लेबर है, वेजेस के ऊपर हम बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, चीज़ जो मंगवाई जा रही है वो कितनी देर में आएगी, क्या वो बाय रोड आएगी, क्या वो बाय एयर आएगी, क्या वो बाय ट्रेन आएगी, क्या वो बाय सी आएगी, क्या वो बाय पोर्ट आएगी, आएगी के साथ से कितना कॉस्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, क्योंकि वो सारी कॉस्ट मुझे ही बेयर करनी है। और वो सारी सारी कॉस्ट क्या होगी, उस कहाँ पर नजर आ रही होगी, प्रोडक्ट के ऊपर, सही है? देन रेवेन्यू जनरेशन, कितना हम कमा सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट की ग्रांट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अब ये याद रखना, क्योंकि नंबर बेस्ड है ना, इसलिए इस नंबर बेस की वजह से इसको एसेस किया जा सकता है, इसको इवेल्युएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी, कितना लगाया, कितना पैसा मिला, पे बैक, जितना लगाया हुआ अमाउंट है वो कितने दिनों में हमें वापस मिला, सही है? ब्रेक इवन, अगर मैं यूनिट्स, कितने यूनिट्स बनाऊं कि मैं अपनी कॉस्ट रिकवर कर लूं, यानी पे बैक जो है वो पैसे की रिकवरी बताता है इन टाइम, और ये जो आपका ब्रेक इवन है ये पैसे की रिकवरी बताता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, यानी हैं तकरीबन दोनों सेम चीज है। ब्रेक इवन ने क्या बताया कि कितने यूनिट्स बेचोगे तो कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, और पेबैक ने मतलब क्या बताया, कितने दिन तक, कितने महीने तक आपको ये पैसे आते जाएंगे, तब कहीं जाके यू आर गोइंग टू रिकवर, सही है? और गेट योर इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है? जब क्वालिटेटिव की बात हो रही होती है, क्वांटिटेटिव की बात ही, क्वालिटेटिव की बात हो रही होती है जब, सही है? जब क्वालिटेटिव की बात हो रही होती है, अब उसके अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज कि हमारे पास बिजनेस जो भी कोई चल रहा है वो पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, गैस, पानी, बिजली, रोड्स, एक्सेस, कस्टमर्स,
तमाम तर चीज़ें देखी जाती हैं, हॉस्पिटल्स नियर बाय, कैंटीन्स नियर बाय, शॉपिंग मॉल्स नियर बाय, ये सारी चीज़ें क्या, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखी जाती है। सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख कर ही डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि इससे ज़रूरी चीज़ें लानी ले जानी हो सकती है। ठीक है, फिर हमारे पास आए थे मैनेजमेंट प्रेफरेंसेस। इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट ने सोच लिया ये काम करना है तो करना है। सही है, मतलब उनको एकदम से कुछ हुआ क्या, यार हमारी जो फैक्ट्री है उसको सियालकोट में होना चाहिए। भाई अब आप ओनर हो यार, आपने जो कहना है आप कर लो, रीजन कोई नहीं, बस दिल चाह रहा है सियालकोट में होनी चाहिए, बस हो गए। ठीक है, एथिकल कंसिडरेशन। एथिक्स का मतलब होता है नॉर्म्स, वैल्यूज, बदतमीजियां नहीं, इज्जत से काम करो, रिस्पेक्टफुल काम करो। ठीक है, और जब हम बात करते हैं एथिकल कंसिडरेशन, तो ये याद रखो कि अगर आप एथिकल होंगे ना, अगर आप एथिकल होंगे हाँ, तो आप महंगे ऑपरेशंस को दावत दे रहे हैं, यानी कि यू बेसिकली गोइंग टू हैव एक्सपेंसिव प्रोसेसेस बिकॉज यू आर गोइंग एथिकल। एथिकल होने में आप 2 नंबर माल नहीं खरीदेंगे, एथिकल खत्म होने में आपको डंडी ड्रामे नहीं करेंगे। सो यू विल बी पोस्टिंग ऑल द प्रोसेसेस, यू विल बी डूइंग ऑल द एनालिसिस, यू विल बी डूइंग एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, सो इस चीज को और तमीज से कर रहे हो, एथिकली काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आप अनएथिकल हो जाते हैं ना, तो पैसे बच जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली बाज़ औक़ात कंपनीज इस बारे में सोचती नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, और दिस इज द फैक्टर विच इज कंसिडर्ड एज वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट के आपने ये देखना है कि फ्यूचर में आपने ग्रो करना है या नहीं करना। अगर करना है तो उसको अभी हासिल कर लो। लोग कहते हैं यार देखी जाएगी, जब होगा फिर हम काम करेंगे। हाँ, ये भी एक तरीका सही है, सही है कि जब होगा उस समय हम देख लेंगे, लेकिन जब आपने 3 4 साल डाउन द रोड जाके सोचा और हमने वही एग्जैक्टली पोजीशन एक्वायर करनी है जो आपसे पहले शुरू में कहा गया था कि आप खरीद लें, जिसको मना किया था, वो सस्ती भी नहीं मिलेगी, आपको महंगी मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि उसके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी अप्रिसिएशन हो चुकी है उस लैंड की। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा रूम की जरूरत है, एक्स्ट्रा एक्सपेंशन की जरूरत है। सही है, बाज औकात कंपनीज एक बड़ा रूम ही ले लेती है कि चलो जब एक्सटेंशन होगी तो इसी में कर लेंगे। बाज कंपनीज छोटे में काम करती हैं, कहती है जब जरूरत होगी तब हम बड़े को हम एक्वायर कर लेंगे। ये सारे का सारा क्या है, ये आपका फर्दर रूम के लिहाज से बात है। बाज औकात कंपनीज इसलिए इस चीज में भी जाकर रुक जाती हैं कि उनके आसपास पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। क्लासिकल एग्जाम्पल जो है वो हार्डीज, अगर आपने टीपू सुल्तान रोड पे, जो नहीं टीपू सुल्तान रोड पे तो नहीं है, मेडिकम चुरंगी के पास जो है वो हार्डीज खुला था, तो जिस वक्त वो हार्डीज खुला उसके 2 हफ्ते के बाद रोड तोड़ दी, गाड़ी पार्क ही नहीं हो सकती। सही है, वो दूर जाके पार्क किए तो उस नियर बाय आपको सब्वे नजर आ रहे हैं, सब्वे खा लिया। ठीक है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लोकेशन कर रहे हो, सही है, यानी आपने एक कंट्री से छलांग मारेंगे, कंट्री एक्स से छलांग मारेंगे कंट्री पी, पाकिस्तान से छलांग मारेंगे दुबई, एक्सचेंज रेट, वहां का कंपटीशन लेवल, वहां पे कंज्यूमर की प्रेफरेंस, ट्रेड बैरियर्स, गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर सेट तो नहीं किए भी, सही है, और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, ये तमाम तरह ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको इंटरनेशनल लोकेशन में आपको आइडेंटिफाई करना है, इंटरनेशनल लोकेशन में आइडेंटिफाई करना। सही है, अगर चीज इंटरनेशनल नहीं है डोंट डू दिस। लेकिन ये अदर देन ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के अलावा ये इंटरनेशनल फैक्टर्स जो होंगे वो लिखने लाजमी होंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपनीज जो हैं वो आमतौर पे मल्टी लोकेशन की तरफ जाती है, एक से ज्यादा जगह पे दुकान खोलती, मल्टी लोकेशन। सही है, 2 कंट्री में भी हो सकते हैं वो, सीधे विद इन एक कंट्री भी हो सकती है, ब्रांचेस, जैसे आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो सकता है उसकी ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो वो ब्रांचेस जो हैं वो भी क्या है, मल्टी लोकेशन ही है। ठीक है, मल्टी लोकेशन से फायदा क्या होता है, सबसे पहला फायदा कस्टमर को मिलेगा, कन्वीनियंस, यार दो दरिया पे काजी कबाब जीज है, ओशन मॉल के ऊपर ये कबाब जीज है, हाईवे पे भी कबाब जीज है। ठीक है, इतने सारे कबाब जीज हैं, लेकिन मैं तो रहता हूँ शहीद मिलन रोड के ऊपर, तो वहाँ पर भी कबाब जीज है, चले जाओ। ठीक है, मल्टी लोकेशन कर दी आप, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। अब जाहिर है डिफेंस से डीएचए वाला जो दो दरिया वाला जो कबाब जीज है, वहां से रॉ मटेरियल जाए उधर शहीद मिलन वाले के पास, तो मसला हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी, देयरफॉर उसका रॉ मटेरियल अपने पास आएगा, हर एक का अपना अपना रॉ मटेरियल आएगा, देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी। सही है, अपॉर्चुनिटीज फॉर डेलीगेशन, हम लोगों को डेलीगेट, क्योंकि ब्रांचेस हो गई ना, तो अब मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज को काम डेलीगेट किया जाएगा, यार तुम कर लो, तुम डिसीजन मेकिंग ले लो। अच्छा, जब हम किसी को डिसीजन मेकिंग देते हैं ना, वो खुश हो जाते,
कहता है यार देखो अब मेरे ऊपर डिपेंड करना शुरू कर रहा है, बिजनेस उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, सही है। और इसके अलावा आपके पास कॉस्ट एडवांटेजेस आते हैं कि आप ओरिजिनली जब आप किसी एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो अपनी कॉस्ट खुद बेयर कर रहा होता है, वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। दूसरा जो मल्टी लोकेशन वाली जगह होती है, वो अपने कॉस्ट खुद अपने मियां मिट्टू अपने लिहाज से हैंडल कर रही होती है। दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि कॉस्ट कम होगी तो हमारा मार्जिन बढ़ेगा। प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है जनाब? पहला प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन इशू। ब्रांचेस आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? जैसे आई वेंट टू आउटफिटर्स कुछ अर्सा पहले, तो वहाँ से मैंने एक शर्ट ली, अपेरेंटली स्पीकिंग ये जो मैंने अभी शर्ट पहनी हुई ये ली, तो उसका साइज जो था वो अवेलेबल नहीं था। अब हुआ ये कि उन्होंने और मैं गया था ये डॉलमेन क्लिफ्टन वाले पर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल की, उन्होंने ओशन मॉल वाले से पूछा यार ये साइज़ के इस आर्टिकल का क्या नंबर है, तो उसने जी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक काम करें, आप इधर ही आए हैं तो इधर आप चले जाएँ और ओशन मॉल की ब्रांच में चले जाएँ, वहाँ पर यू गेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मसला सिर्फ इतना हो गया कि वो उसने कहा था कि हाँ यही है, लेकिन उसकी कलर थीम डिफरेंट थी, और वो थी ग्रीन और उसके साथ ब्लू के साथ, ये है ब्लू और डीप ब्लू और येलो के साथ, वो थी ब्लू और ग्रीन के साथ, यानी ब्लू उसका बेस था और ग्रीन उसकी, डिज़ाइन सेम था लेकिन कलर डिफरेंट था, कोऑर्डिनेशन इशू हो गया। मैं वहाँ पहुँचा हूँ, जाके उन्होंने दिया जी आपका ये प्रोडक्ट है ले लें, मैंने कहा ये तो कलर ही दूसरा है, वो तो कलर कोई और देख कर आया हूँ, नहीं 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 सर वो यही कलर हमारे पास, तो ये तो कलर वहाँ पर भी अवेलेबल था यार, टेंशन किस बात, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सही है। तो बड़े बिजनेसेस जब कभी होते हैं तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, सही है बिल्कुल। इसी तरह से अब आपका कंट्रोल भी लूज होना शुरू हो जाता है, हर कोई डिसेंट्रलाइज हुआ है ना, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, सही है बिल्कुल। इसी तरह से जब कभी कंट्रीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करती है तो कल्चरल डिफरेंसेस बड़े होते हैं, सही है। कराची के अंदर भी है, पुल के इस पार पुल के उस पार कल्चरल डिफरेंस है, सही है। पाकिस्तान के अंदर भी है, कराची वाले जागे हुए होते हैं और इस्लामाबाद वाले सब सो चुके होते हैं, सही, कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस होता है जिसको हम लोगों ने जहन में रखना है, और उसके लिहाज से वी हैव टू डिसाइड वेदर वी हैव टू मल्टी लोकेट और नॉट। मल्टी लोकेट का मतलब एक से ज्यादा आउटलेट्स हों आपके, सही है। और इफ साइट्स आर टू क्लोज टू ईच अदर, ये एक कॉलेज था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने किया है कि उनका बड़ा मकबूल बड़ा पॉपुलर ब्रांच जो है वो नियर बाय शारा फैसल थी, और उन्होंने कुछ किया कि यार एक और ब्रांच उन्होंने ओपन कर दी पीसीएचएस के एरिया के अंदर। अब पीसीएचएस का एरिया और जिस एरिया में वो था उस ये तकरीबन मोरलेस बहुत करीब थे, और दोनों एलेवेंस कॉलेजेस थे। प्रॉब्लम ये ना यार कि कस्टमर कहाँ जाएगा, यानी कि स्टूडेंट कहाँ जाएगा, और फिर उनको वो ब्रांच को डिसकंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि वो गलत ब्रांच हो गई थी। सी दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम, इफ योर ब्रांचेज आर टू क्लोज टू ईच अदर देन यू मे नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि कौन सा क्राउड किसकी वजह से आ रहा है। क्राउड तो आ रहा है लेकिन वो किसका क्राउड है किसका क्राउड नहीं है, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। सो ये जितनी भी बातें हम लोगों ने आज डिस्कस की हैं, इट्स बेसिकली चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 ऑफ ऑपरेशन, उन दोनों में से था। जो चीज़ मैंने मिस की है वो प्रोडक्शन मैथड है, सही है। और प्रोडक्शन मैथड के बारे में हमने कल बात करनी है, जॉब बैच फ्लो मास कस्टमाइजेशन, सही है। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट स्टॉक, एंड देन फॉलोइंग डे पे हमारा स्टॉक मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज आप पूछ लीजिए, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। नहीं है जी, चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।